हमारे यहाँ जॉब कार्ड जो है कोरोना काल में जब बाहर से आंकड़ा क्या है याद नहीं, करीब करीब हमारा यहाँ जॉब कार्ड जो है 67 लाख कर 67 लाख कैंसिल है, कैंसिल नहीं है, चल रहा है उसमें कैंसिल की बात हो रही है। नहीं नहीं, आधार कार्ड से जुड़ा जो गया है तो निश्चित तौर पर बहुत लोगों का आधार कार्ड में नाम है या गलत है उसको रखने का एक अकाउंट रहता है बैंक में आलमगीर, वो वहाँ ALAM लिखा कहीं पर लिखा हुआ है, ALOM लिखा हुआ है, उसी चलते जो है ये जो जॉब कार्ड कैंसिल किया गया। और हमारी जब गठबंधन की सरकार बनी आप सब जानते हैं कि उस समय भारत सरकार ने झारखंड को पहला नंबर दिया था, इन्होंने जॉब कार्ड और मनरेगा के तहत इन लोगों ने वर्क दिया है, ये तो आप लोग खुद जानते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से है पहला नंबर। एक मनरेगा में है भेंडर जिसके चलते पूरे मनरेगा कर्मी प्रधान है, उन लोग को पैसा नहीं मिल पाता, इस पर क्या कर रही है सरकार? इस पर हम कहना चाहते हैं, मैं आपको पत्रचार जो है भारत सरकार हम सरकार से हमने किया है कि भेंडर का सिस्टम नहीं होनी चाहिए, लाभुकों को मिलना चाहिए, ये चिट्ठी चार बार लिखे हैं, आप लोग ऑफिस से आप दे। सर आप बोल रहे हैं MSP लागू, आपकी सरकार आगे MSP लागू करेगा, लागू करिएगा, तो ये बताइए कि आपका मेन मैनिफेस्टो क्या रहेगा चुनाव के समय, क्या MSP पर चुनाव लड़िएगा कि और कुछ? बड़ा आप हड़बड़ाएल आदमी है, इतना मत हड़बड़ाइए, वायरल होने का मन है का आप, हो जाइएगा कोई बात नहीं, हड़बड़ाइए नहीं। अभी जो है किसान को लेकर के किसान न्याय से जुड़ा हुआ एक घोषणा किया गया है, सुनिए ठीक से थोड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री जब से आए हैं ना लोग सुन ही नहीं रहा है, खाली अपने ही मन का बात करता है, लोग दूसरे का सुनता नहीं है, थोड़ा सुना कीजिए। एक न्याय से संबंधित एक घोषणा हुई, पांच न्याय है, कौन पांच न्याय है याद हुआ आपको? बोलिए तो जरा कौन कौन न्याय है, हम फिर से बोलते हैं याद आ जाएगा। युवा न्याय समझे, फिर भागीदारी न्याय, हिस्सेदारी न्याय भी उसको बोलते हैं, फिर नारी न्याय याद कीजिए फिर ना भूल जाइएगा, उसके बाद किसान न्याय और मजदूर न्याय, पांच को याद हुआ? उसमें से किसान न्याय से एक जुड़ा हुआ घोषणा अभी हुआ है कल अंबिकापुर में, अभी और होगा, दिखाइएगा, लेकिन दिखाइए पता नहीं दिखाइएगा कि नहीं दिखाइएगा, अंबानी का चैनल अंबानी का चैनल पता नहीं दिखाइएगा कि नहीं, लेकिन दिखाइएगा, अभी घोषणा होगा, अभी एक घोषणा हुई है कि MSP की गारंटी करेंगे, कानूनी दर्जा देंगे समझे, और जो कैसे तय करेंगे तो जो स्वामीनाथन जी का फॉर्मूला है, जिसको मोदी जी जी हैं भारत रत्न ना, उन्हीं का फॉर्मूला लागू समझे। कन्हैया जी आपसे युवाओं को लेकर आपका एजेंडा क्या रहेगा? अभी युवाओं को लेकर के भी घोषणाएं हो रही है, अभी उसको लेकर के जो है गारंटी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन युवा न्याय के तहत हम आपको बता दें कि रोजगार की गारंटी करनी है, सबसे ज़्यादा जो है रिक्त पद आज के डेट में खाली पड़े हुए हैं सब विभाग में, 10 लाख से ज़्यादा नौकरी खाली है केंद्र सरकार में, और भर्ती नहीं होता है समय पे, भर्ती अगर होने की बारी आए तो पता चला कि एग्जाम सेंटर पे जाइएगा प्रश्न पत्र लीक हो गया है, पैसा लेकर के सीट बेच दिया है, तो नौजवान सब परेशान है, तो इसको कैसे कानून के दायरे में लाए कि जो है ना ये भर्ती विधान को हम लेकर के आएंगे, अभी वो सब चीज तैयार हो रहा है, अभी किसान न्याय से संबंधित एक घोषणा हुई है, इसी तरह से बारी बारी से सभी न्याय से जुड़ी हुई घोषणाएं होंगी। कन्हैया जी आप न्याय यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं और आपकी पार्टी जो है बिखर रही है, क्या कहेंगे? ना हमारी पार्टी नहीं बिखर रही है, हमारी पार्टी बिखरने का मतलब होता है पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाता का बिखरना, नेता सब थोड़ा कहीं दया बाया समझ रहे हैं ना, तो वॉशिंग मशीन उधर है ना JP नड्डा जी के घर में, उधर जाके धुल जाते हैं, तो सब लोग धुलने के लिए जा रहा है, तो आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है धुलने ही जा रहा है? और ये सवाल पूछिए उनसे कि जो पार्टी पे आप आरोप लगाते थे परिवारवादी होने का, भ्रष्टाचारी होने का, उन नेता सब आपके पास आकर के सुंदर चिकन कैसे हो जा रहा है, पूछना चाहिए ना। पार्टी नहीं बिखर रही है, पार्टी इतनी मजबूती से खड़ी है ना कि नारा लगाए थे एक अकेला, अब बोल तो अकेला काहे हैं, जसोदा जी हैं ही गुजरात में तो काहे आप अकेले घूम रहे हैं, गांधी जी देश को आजादी दिलाने के लिए कस्तूरबा जी को साथ में लेके घूमते थे, आ इनको देश चलाने के लिए पत्नी छोड़ने का क्या जरूरत था, तो अकेला क्यों है ये? लेकिन नारा दिया भाजपा का लोग, एक अकेला सब पर भारी है, तो काहे नीतीश जी का जरूरत पड़ गया भाई, काहे जो है इनको जयंत चौधरी का जरूरत पड़ गया है,
और देखिएगा चुनाव आते आते और कितना चीज का जरूरत पड़ता है इनको। इससे पहले आप एनडीए का नाम सुने थे, भुला गया था लोग, नारा लगता था राष्ट्र के ये तीन धरोहर अटल आडवाणी मुरली मनोहर कहाँ गए कुछ पता नहीं। अभी आडवाणी जी भी याद आए हैं, उनको भी भारत रत्न मिला है, भाजपा को बहुत बधाई हो। तो एक अकेला का नारा देते थे, खाली मोदी मोदी नारा था ना, लोग हम लोग लगाते थे बिहार में लोग, हर हर महादेव, तो आया हर हर मोदी, मोदी जी के अलावा कुछ नहीं। पहले भाजपा सरकार होता था, हम जो गारंटी दे रहे हैं ये कांग्रेस की गारंटी है, ये किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, कांग्रेस की गारंटी है। वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, भाजपा की गारंटी नहीं है, मोदी का सरकार है, भाजपा का सरकार नहीं है। तो एक अकेला बोलते थे, अभी उनको सबका जरूरत पड़ रहा है। इसका मतलब कौन कमजोर है, हम कमजोर है कि वो कमजोर है? उन कमजोर है कि एक एक लोग को जुटा रहे हैं, हम तो नहीं कमजोर हैं। जब इंडिया की बैठक हुई, 28 पार्टी बैठी, तब आनंद फानंद में इनको एनडीए याद आया और 28 पार्टी से ज्यादा पार्टी को जुटा करके जो है, देखिए परसेप्शन वॉर है। ये परसेप्शन में आपके दिमाग में डाल देना चाहते हैं कि हम कमजोर हैं। अगर हम कमजोर हैं तो सब कुछ हमारे पीछे लगाए हुए हैं, ईडी, सीडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और बहुत सारे जो है इनके जैसे दोस्त, क्या जी सब लोग लगाए हुए हैं। हम कमजोर के पीछे लगाए हुए हैं कि मजबूत के पीछे लगाए हुए हैं? अंतिम बात बोलते हैं, अंतिम बात बोलते हैं, बात याद रखिएगा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं होता है, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। एक समय प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, पिछले दो दिन में आप क्या देख रहे हैं, कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने क्या कहा, परिवारवाद के खिलाफ है। कल किसको राज्यसभा टिकट मिला, अशोक चव्हाण। आज अभी एक घंटे पहले किसको टिकट मिला राज्यसभा, मिलिंद देवरा। कहां गया परिवारवाद, अभी वो समाजवाद बन गए। भूल गया, वीर साहब ने मुझे याद दिलाया, तीसरा नाम है हरपीएन सिंह, परिवारवाद, परिवारवाद, हरपीएन सिंह, मिलिंद देवरा परिवारवाद, अशोक चव्हाण परिवारवाद। सर ईडी का प्रबंधन, शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।